अभी रिलायंस को लेकर के बार बार सवाल आ रहे हैं घूम फिर करके। अभी सूरज कश्यप जी का एक सवाल है, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल कर रिलायंस का शेयर ले लूं क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, वैसे मैं शायद आज छोड़ देता रिलायंस के सवाल को, लेकिन क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही हमने बात की है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा नीचे के भाव दिख रहे हैं लोगों को, तो सबके मन में लालच आ रहा है। लालच इस तरह से कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगा रखा है वो निकाल के इसमें लगा दूं क्या? अब आप म्यूचुअल फंड में जब जो पैसा आपने लगाया होगा, मान के चलें उदाहरण के लिए कि शायद किसी फ्लेक्सी कैप फंड में लगाया होगा या किसी डाइवर्सिफाइड फंड में ही लगाया होगा, तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से निकाल करके पैसा आप एक खास शेयर में, भले ही वो रिलायंस जैसा शेयर हो, क्या उसमें लगा देना एक अच्छी रणनीति होगी, सिर्फ इसलिए कि रिलायंस ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया? सूरज जी, आपके सवाल का पूरी तरह से रेस्पेक्ट करते हुए मैं यही कहूंगा कि कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ लगा दूँ क्या। एक बहुत कॉमन सेंटेंस मार्केट में यूज किया जाता है, घर बेच के पैसा लगा दूँ, ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए, हर चीज जहाँ पे आपने पैसा लगाया है ना, वो एक मेथड के हिसाब से आप लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में लगाया है, जैसे राजीव जी ने बहुत सही पॉइंट आउट किया, आपने वो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से लगाया है। डाइवर्सिफिकेशन को हटा के आप अगर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क लेना चाहते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का तरीका ये होता है कि एब्सोल्यूटली डर्ट चीप वैल्यूएशन पे मिले तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इनिशिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मेरी पॉकेट की इतनी डेप्थ हो, नहीं तो इतना कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे ये नहीं मालूम कि इस म्यूचुअल फंड में आपका पूरा पैसा है, पूरे एसेट का कितना एलोकेशन है। तो अगर मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि इस म्यूचुअल फंड में आपका 5% का एलोकेशन है, 7% का एलोकेशन है, तो उस हिसाब से सोच सकते हैं निकाल के कहीं लगाने का। अदरवाइज फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहीं नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, इतनी भी दिलेरी अच्छी चीज़ नहीं है। रिलायंस की बात यह है कि देखिए, इसका जो हर तरफ से आप देखें, इसके वैल्यूएशंस अगले 2-3 साल के लिए 2500-2600 पे फैक्टर्ड थे, तो मुझे तो वहाँ किसी सिचुएशन में लग नहीं रहा था कि वैल्यूएशन फेवरेबल है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है, वैल्यूएशन फेवरेबल होते जा रहे हैं। लेकिन लास्ट डिस्कशन तो यही हुई थी कि 2100 तक आना चाहिए, लेकिन 2100 पे भी मेरा कंप्लीट कंफर्ट तो नहीं है जब तक वहाँ से रिवर्सल नहीं दिख जाए। अब पूछेंगे वैल्यूएशन कंफर्ट कहाँ पे होगा, तो वो शायद आप ये कह सकते हैं वैल्यूएशन कंफर्ट कहीं ना कहीं मुझे 1800 के आसपास मिले विथ 50 पॉइंट और 50 पॉइंट डाउन, तो शायद मुझे थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट आएगा। मतलब यहाँ से हो सकता है कि मिनिमम 15% चाहिए वैल्यूएशन कंफर्ट। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2100 पे रिलायंस को इवेल्युएट करना चाहिए। अगर वहाँ से रिवर्सल दिखे तो चलती ट्रेन में सवार हो जाइए, क्योंकि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ठीक ठाक ही आएगा। रिजल्ट के पहले रैली भी होती और उसके बाद गिर जाता है। नहीं तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है कि लोअर हाई का स्ट्रक्चर है और 2170 के नीचे, 2180 के नीचे लोअर लो का भी स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। तो 2100 तो मैंने इसीलिए बोला था कि आ जाएगा, लेकिन अब लोअर लो का स्ट्रक्चर कंफर्म होने के बाद क्या 2100 पर रुक जाएगा, ये उस समय एक क्वेश्चन खड़ा होगा हमारे सामने, जिसका आंसर मुझे नहीं लगता कि हाँ मैं जवाब लूंगा। बिकॉज सबसे अच्छा लेवल रिलायंस का मुझे लगता है खरीदने के लिए, अगर कहीं गिर के कभी ऐसा गिर गिर के मिल गया 1850 के आसपास, वो सबसे अच्छा और सेफ लेवल है। मिलेगा कि नहीं वो तो वक्त बताएगा। 2100 पे भी मेरा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट रहेगा, लेकिन 1850 के आसपास अगर मिला तो वहां से शायद 10% का डाउनसाइड रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। वहां पे इन्वेस्टेड रहने में थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन रिस्क लेने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस चीज का मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। अभी तक तो फेवरेबल नहीं है स्ट्रक्चर, वेट करेंगे कि या तो इसमें कुछ रिवर्सल आए या फिर बेटर लेवल्स मिले। 2100 के पास इवैल्यूएशन है, ऐसा नहीं है कि वहां से हम खरीद पाएंगे, वहां पे इवैल्यूएशन। जी, यहाँ पे इसकी पूरे चार्ट को देखते हुए दो तीन चीज़ें मेरे ध्यान में आ रही थी। एक तो ये कि इसमें जो एक 2020 के मार्च से तो एकदम से तेज चाल आई थी, उसके बाद इसने अपनी ट्रेजेक्ट्री बदली थी, लेकिन फिर भी एक राइजिंग पैटर्न बना हुआ था, जो एक नॉर्मल राइजिंग पैटर्न होता है, एक नॉर्मल राइजिंग चैनल होता है, उस तरह के पैटर्न में था, और वो चैनल इसने छोड़ दिया पिछले साल अक्टूबर के आसपास कहीं, और उसके बाद से फिर
जो एक नवंबर में टॉप बना, वहां से फिर अब आपने सही पॉइंट आउट किया कि ये एक लोअर टॉप लोअर बॉटम वाले स्ट्रक्चर में आ चुका है, फंस चुका है। इस पूरे 2020 के मार्च से अभी तक का पूरा पैटर्न देखें, क्या ये एक राउंडिंग टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनता है? और अगर वैसा आपको दिखता है तो उसमें टारगेट क्या बनता है? राउंडिंग टॉप अपने नेकलाइन पे भी आ सकता है, वो 1850 के आसपास मिलेगा इसको, तो स्लो ड्रिफ्ट हो सकता है उधर। जी, यानी जहाँ से ये शुरू हुआ था अप्रैल 2021 के आसपास के जो लेवल्स थे, जहाँ से एक फिर से हमें और बेहतर एक चाल बनती हुई दिखी थी, वहाँ तक लौटने की संभावना है। हो सकता है, लेकिन यही कह रहा हूँ कि ये ऐसा स्टॉक है कि मार्केट में अगर चाल आई तो 2100 के बाद से एक बार पलट सकता है, लेकिन वो ट्रेडिंग बाउंस होगा, वो क्या इन्वेस्टमेंट बाउंस होगा मुझे डाउट है वहां पे, क्योंकि तो मुझे ओवरऑल मार्केट पे ही 18,000 के ऊपर में कॉशन आने लगेगा, लेकिन फिर भी 17,000 से 18,000 अभी 5% का जर्नी तो देखने को है ना, उसके बाद फिर जी वैल्यू। बिल्कुल,